चलो भैया स्टार्ट। ये 10 मिनट में खत्म करना हरीश शर्मा को। ये टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 3 सेकंड हो चुकी हैं और हरीश शर्मा ने मारी दूसरी बाइट। वाह, क्या ये 1100 रुपये जीत पाएंगे? सर मैं ये कहता हूँ आओ यहाँ पे, हमारा चैलेंज कंप्लीट करो और 1100 रुपये इनाम लेके जाओ। तो देख रहे हैं निरीक्षण करते हुए हरीश शर्मा जी, किधर से क्या खत्म करूँ पहले। कितनी मोटी स्लाइस है यार, और मुंह दिखाओ अपना यार। आज मैंने अपना सबसे ताकतवर घोड़ा मैदान में उतारा है। आपको तपस्या की कसम भाई करना है हरीश भाई, तपस्या की कसम। इस कंपटीशन में आपको बर्गर के साथ साथ फ्रेंच फ्राइज का, देखो वो डिब्बा मिल रहा है, वो डिब्बा फ्रेंच फ्राइज और एक छोटी कोक की बोतल, छोटी कोक की बोतल 250 ml, वो खत्म करनी कंपलसरी। अगर आपने वो तीनों, ये तीनों चीज 10 मिनट में खत्म कर दी तो आप हैं 1100 रुपये के हकदार, बर्गर फ्री। कुछ बहुत ही जबरदस्त होने वाला है यहाँ पे। क्या होने वाला है? हमारे ऑल टाइम, तो हमारे चैलेंज एक्सेप्ट कर देना हरीश भाई। उनको आज मिला क्या है चैलेंज, और किसने दिया है? पापा मैक्रोनी के कोनर ने, उन्होंने बोला है या हमारे अब तक यहाँ पे 2 बंदों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है और उन्हें वो लड़ा है। और यहाँ पे उनका होता है बाहुबली बर्गर। कितना बड़ा? 1.5 या 2 kg के समथिंग का। तो क्या वो बर्गर ख़त्म कर पाएंगे? पर दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन है, उन्हें वो बर्गर 10 मिनट के अंदर ख़त्म करना होगा। हम कर पाए तो वो जीतेंगे 1100 रुपये, अगर नहीं कर पाए तो उन्हें देने होंगे 600 रुपये। कंपटीशन लड़ोगे तो 600 रुपये का, और वैसे खाओगे 850 रुपये का। तो भैया आपको साथ में एक छोटी 250 ml की कोक मिलेगी और साथ में थोड़ी फ्राइज होंगी और बर्गर होगा। बर्गर हम आपको 1/4 कट करके देंगे। आपको पूरा बर्गर फिनिश करना है और खाने के टाइम जो भी गिरेगा आपका नीचे, जैसे थोड़ा बहुत गिरता है, वो भी सारा आपको फिनिश करना है। तो देख रहे हैं निरीक्षण करते हुए हरीश शर्मा जी, किधर से क्या ख़त्म करूँ पहले। तो हरीश शर्मा जी निरीक्षण करते हुए, और यहाँ पे टाइमर है, उधर बर्गर है, जैसे वो बोलेंगे वैसे मैं स्टार्ट कर दूंगा। किधर से शुरुआत करूँ मैं? तो कहूँगा ये कागज उधर गुजारो ताकि नीचे ना गिरे। तो यहाँ पे हरीश शर्मा जी, लेट्स बिगिन करते हुए 1 2, थोड़ी देर रुकने के लिए बोला 1 2 3। अरे यार 1, कितनी मोटी स्लाइस है यार, और मुंह दिखाओ अपना यार। सुनील भाई साहब कह रहे हैं, अभी तक मैंने कंपटीशन में जो बर्गर देखे हैं वो लेयर पे लेयर होते हैं, वो ऊंचे होते हैं, हाइट में लंबे होते हैं। ये तो मैंने चौड़ाई ज्यादा कर रखी है बर्गर की, 10 इंचेस कर रखा है, बाकी मेरी हाइट कम है। तो स्टार्ट करो, चलो भैया स्टार्ट। ये 10 मिनट में खत्म करना हरीश शर्मा को। ये टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 3 सेकंड हो चुकी हैं और हरीश शर्मा ने मारी दूसरी बाइट। वाह, क्या ये 1100 रुपये जीत पाएंगे? मुझे लग रहा है हाँ हाँ। 15 सेकंड में 2 बाइट्स, वाह, बहुत ही तेजी से हरीश शर्मा जी लगे हुए हैं। वाह 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 वाह। सुनील जी क्या लग रहा है आपको? भैया अभी तो आप खाओ, अभी तो 2 ही बाइट लिए, आधा बर्गर खत्म होगा, उस पर टाइम देखेंगे हम क्या टाइम है। तो मुझे हरीश शर्मा भाई से बहुत उम्मीद है, अगर ये 2 बाइट 2 स्लाइस बर्गर की 3 मिनट में ख़त्म कर पाते हैं तो मुझे लग रहा है ये आराम से इजिली ख़त्म कर देंगे। आप होप पर ना आ रही है, आप कर सकते हैं, यू आर, आप 2 स्लाइस 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि यू आर द किंग ऑफ फूडी पेंडोज, भूखड़ों के राजा हो आप। तो हरीश शर्मा जी लगे रहो, टाइमर 1 मिनट हो चुकी है दोस्तों। बहुत ही असमंजस की स्थिति में हूँ मैं। आज मैंने अपना सबसे ताकतवर घोड़ा मैदान में उतारा है और पापा मैक्रोनी वाले भाई से भी थोड़े चिंतित से लग रहे हैं मुझे, उनके फेस के एक्सप्रेशन। मैं तो चाहता हूँ आप जीतो भैया। अगर हरीश भैया यहाँ जीत गए तो यहाँ पे फोटो लगेगा इनका भी। 1.5 मिनट हो चुके हैं हरीश भाई, मेक इट फास्ट ब्रो। बहुत अच्छे हरीश भाई, रियलिटी में यार बहुत बड़ा बर्गर है, बहुत बड़ा भाई। गिव अप नहीं करना हरीश भाई, गिव अप नहीं करना है, तपस्या को याद करो भाई, तपस्या को। आपको तपस्या की कसम भाई करना है हरीश भाई, तपस्या की कसम।
तपस्या जंक्शन आलू पराठे वाले, उनके पास जाना है, 1 लाख जीत के लेके आने। हरीश भाई करो, 3 मिनट हो गए। हरीश भाई आप भी सोचते हैं कि आप ये बर्गर ख़त्म कर पाएंगे, तो दोस्तों आओ पापा मैक्रोनी आओ। लगे रहो दूसरा स्लाइस भाई। और ये टाइम हो चुका है पूरे 5 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड, और ये हो गए 6 मिनट पूरे। ये क्या हुआ? 6 मिनट 12 सेकंड्स। तो भाई उम्मीदें बहुत थी, और ये तो हरीश शर्मा जी आधा भी ख़त्म नहीं कर पाए। हमारे बुक्कड़ों के राजा, इन्होंने हमें बहुत हराया है। पर जनवली में पूछना चाहूँगा हरीश भाई से, देखो मैं मानता हूँ इनके हारने का मेन रीज़न है क्योंकि हम सुबह से इनको फरीदाबाद में लेकर घूम रहे हैं। हमने इनके यहाँ चुट चुट नान ठुकवाई है, हमने इनके चॉकलेट समोसा ठुकवाया है, हमने इनके यहाँ के बड़ा पाव ठुकवाए हैं दो, और क्या ठुकवाया सर? और इन्होंने टकार ली पापा मैक्रोनी की दुकान पे। इन्होंने टकार नहीं ली थी तब से अब तक। बात थुकवाने की नहीं है, बंच मुंह में कंट्रोल नहीं हो रहा। आई विल रीट्राई इट सून, एज सून एज पॉसिबल। लकी भाई साहब, भैया उम्मीद तो थी ख़त्म कर देंगे ये, बट नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। भाई मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, इनको उम्मीद थी। क्योंकि मुझे उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि फरीदाबाद में सुबह से घूम रहे यार, बहुत कुछ खा चुके थे, पर उन्होंने कहा एज ए चैलेंजर मैं एक्सेप्ट करूँगा इस। तो आप दर्शकों को तो सर मैं यही कहता हूँ, आओ यहाँ पे हमारा चैलेंज कंप्लीट करो और 1100 रुपये इनाम लेके जाओ। वर्ल्ड स्ट्रीट के पास है, बाय DPS चौक, सेक्टर 81, फरीदाबाद। आपको अगर लोकेशन नहीं मिलती है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर भी मिल जाएगा और लिंक भी मिल जाएगा। हमारे हरीश शर्मा जी ने कमिटमेंट कर दी कि वो बहुत जल्द यहाँ दोबारा आएंगे और इस बर्गर को वो ज़रूर ख़त्म करके जाएंगे। हम ये बचा हुआ माल हम खाएंगे, ये बचा हुआ माल हम खाएंगे। उन्होंने ये पेप्सी ख़त्म नहीं की, इस पेप्सी को ख़त्म करूँगा मैं। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो कर देना लाइक, वीडियो कर देना शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तब तक मैं करता हूँ इस बाहुबली बर्गर को ख़त्म, क्योंकि 600 रुपये दिए हमने इसके।